जामिया हिंसा के मामले में अब दो वीडियो सार्वजनिक हुए हैं और इन दोनों वीडियो के आधार पे अब आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है। पहला वीडियो जो सार्वजनिक हुआ उसमें ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पुलिस लाइब्रेरी के अंदर घुसी थी और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। दूसरे वीडियो में अब ये कहा जा रहा है कि कुछ छात्र नकाबपोश थे जिनके हाथ में पत्थर थे। अब इन सब को लेकर सियासत और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। हमारे साथ तारिक अनवर जी हैं। सर, बीजेपी एक बार फिर कह रही है कि आप और आपके नेता जो है, चाहे वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अक्सर ऐसे लोगों के साथ दिखाई देते हैं जो एंटी नेशनल हैं, जो देश तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के पक्ष में बयान देते हैं। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि ठीक है, कांग्रेस के लोगों पर वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो उनको जो जामिया के वाइस चांसलर हैं नजमा जी, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने FIR में क्या लिख कर दिया है? उन्होंने साफ इल्ज़ाम पुलिस के ऊपर लगाया है और कहा कि पुलिस बगैर हमारी इजाज़त के वो यूनिवर्सिटी के अंदर घुसी, और सिर्फ घुसी नहीं, दाखिल ही नहीं हुई, बल्कि उन्होंने लाइब्रेरी में घुसकर, हॉस्टल में घुसकर, हर जगह जहाँ भी मौका मिला वहाँ छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण उन्होंने अटैक किया है और जिस तरह से हमले किए हैं ये बहुत ही शर्मनाक। नहीं, बीजेपी को ये मौका इसलिए मिला कि प्रियंका गांधी ने जैसे ही पहला वीडियो सार्वजनिक हुआ तो दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाया। अब जब दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर से दिख रहा है कि कुछ छात्र नकाबपोश हैं या कोई और हैं उसमें, जो नकाबपोश स्थिति में उस लाइब्रेरी के अंदर घुसे पत्थर हैं, दिल्ली के पूर्व LG जो है नजीब जंग, उन्होंने भी ये कहा है कि सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आना चाहिए इस पूरे मामले में कि क्या स्थिति। बिल्कुल, और चूँकि मामला जिस तरह की घटना घटी है, अगर सब बात को मान भी लिया जाए, लेकिन पुलिस का जो फुटेज आया है वो बहुत ही चिंता का विषय है कि छात्रों पर क्या इस तरह से बर्बरता होनी चाहिए। अगर उन्होंने मान लीजिए कि पत्थरबाजी भी किया तो उनको गिरफ्तार करते, उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो करना चाहिए, बजाय इसके उन्होंने जिस तरह से बल का प्रयोग किया है वो गलत है। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि अब दिल्ली पुलिस के सामने सारे तथ्य और प्रमाण हैं और दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में अपने आप को एक तरह से क्लीन चिट देना है? जिस तरह की कार्रवाई हुई, दिल्ली पुलिस अभी तक चुप है इस पूरे मामले में, उसकी तरफ से कोई ना कोई बयान आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तो पहले भी ये बयान दिया था कि पुलिस से लाइब्रेरी में नहीं गई थी, लेकिन जब ये फुटेज आ गया और ये बात साबित हो गई तो अब अपने को बचाने के लिए अब एक दूसरा फुटेज लाया जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि ये लोग उपद्रवी थे, हंगामा करने वाले छात्र थे जो अपने आप को बचाने के लिए लाइब्रेरी में गए। तो ये तो पुलिस अपने बचाव के लिए इस तरह का आर्गुमेंट दे रही है।